हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटेक आर के। इस वीडियो में दोस्तों यामाहा का MG16XU जो कि यामाहा का 16 चैनल का मिक्सर है, इस वीडियो में इस वाले मिक्सर का प्राइस के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ में दोस्तों इस वाले मिक्सर का रिव्यू भी करूंगा और इसका डिटेल्स को भी बताऊंगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको इस वाले मिक्सर का प्राइस के साथ साथ इस वाले मिक्सर का डिटेल्स का भी पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो मिक्सर है ये यामाहा का 16 चैनल का मिक्सर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे और आपको पता भी होगा, जो कि दोस्तों ये काफ़ी अच्छा मिक्सर है। और यहाँ पे 8 जो यहाँ पे इनपुट दिए गए हैं जो कि डायरेक्ट माइक के लिए दिए गए हैं, और 2 दोस्तों यहाँ पे XLR के लिए दिया गया है जो कि स्टीरियो के लिए होता है, और 4 दोस्तों ऑक्सिलरी के लिए दिया गया है जो कि डायरेक्ट जैक पिन के थ्रू कनेक्ट होता है। काफ़ी अच्छा मिक्सर है दोस्तों ये 16 चैनल का मिक्सर है, जिसमें कि 8 तो दोस्तों आप सेपरेटली माइक लगा सकते हैं, 2 स्टीरियो के लिए दिया गया है और 4 ऑक्सिलरी के लिए दिया गया है, जो कि यहाँ पे मैं आपको पिन कर देता हूँ, इंडिकेट कर देता हूँ 4 ऑक्सिलरी के लिए दिया गया है उसको। बाकी यहाँ पे पैड का सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है जिससे कि आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा मिक्सर है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वाले मिक्सर का डिटेल्स के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले जो आप देख रहे होंगे दोस्तों ये वॉल्यूम है, ये गेन का वॉल्यूम है जिससे कि हम लोग माइक को कंट्रोल करते हैं, ये चैनल 1 का गेन का वॉल्यूम है। ये दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी HF के लिए दिया जाता है दोस्तों, ये ट्विटर के लिए। ये दोस्तों मिड फ्रीक्वेंसी जिससे कि हम लोग मिड को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये बेस के लिए दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे होंगे ऑक्स के लिए, ये ऑक्स बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ऊपर में इसका ऑक्स का काम होता है, आप दिखाता हूँ मैं आपको। 4 यहाँ पे ox1 ox2 ox3 यहाँ पे दिए गए हैं, उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 4 इसका सेपरेटली वॉल्यूम दिया गया है, और इसी वॉल्यूम का यहाँ पे पैनल है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ox1 ox2 ox3 इसी से कनेक्ट है। ये दोस्तों ये इफ़ेक्ट है जो कि इको को कंट्रोल कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा इसमें इको भी आता है, बहुत ही बेहतरीन मिक्सर है ये वाला मिक्सर। ये जो पेन का ऑप्शन आप देख रहे दोस्तों, ये बैलेंस बटन है, लेफ्ट चैनल और राइट चैनल को कंट्रोल कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। और यहाँ पे जो ऑन ऑफ का स्विच देख रहे होंगे दोस्तों, ये चैनल को ऑन या ऑफ करता है, जैसे कि दोस्तों अगर आप ऑन कर देते हैं तो ये चैनल पूरा ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे ऑफ करते हैं तो चैनल ऑफ हो जाएगा। ये दोस्तों इसका फेडर है और यहाँ पे पीक इंडिकेटर ऊपर में दिया गया है। बाकी यहाँ पे 3 यहाँ पे बटन जो दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 है, उसे ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आप सारे फेडर को देख सकते हैं यहाँ पे, टोटल आपको बहुत सारे फेडर देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो रेड कलर का जो आपको फेडर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, ये स्टीरियो का मेन वॉल्यूम है, और ये ग्रुप 1 2 3 4 का वॉल्यूम है जो कि यहाँ पे आप देख रहे थे, ग्रुप 1 2 3 4 उसी का यहाँ पे मेन वॉल्यूम दिया गया है। बाकी दोस्तों मिक्सर काफ़ी अच्छा है, और अगर आप इस वाले मिक्सर को लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस दोस्तों आपको लगभग 35,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिलहाल तो इसका प्राइस अभी 35,500 के आसपास है, और अगर आप हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं द पोदार इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको लगभग दोस्तों ये 35,500 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल इसका प्राइस इतना है दोस्तों, समय के साथ हो सकता है इसका प्राइस ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसका मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका प्राइस आपको 35,500 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप इस वाले मिक्सर को ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन ख़रीदने के लिए भी दोस्तों मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप अमेज़ॉन के थ्रू ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही DJ से रिलेटेड वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ।